हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मेथी भाजी दाल, एकदम फ्रेश मेथी के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे हेल्दी टेस्टी मेथी दाल के लिए मैंने लिया है फ्रेश मेथी, आधा किलो मेथी है जिसे मैंने धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद यह है रहर दाल, जिसे तुअर दाल भी कहा जाता है, ये एक कटोरी है। और हरी मिर्च, दो टमाटर, नमक, हल्दी, एक इंच अदरक का टुकड़ा, तेल और एक स्ट्रिप करिया पत्ती तड़का लगाने के लिए। और यह है जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1/4 टीस्पून हींग है और सूखी लाल मिर्च है। सबसे पहले मैं दाल को धो ले रही हूँ। दाल को अच्छे से धो के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी के पत्ते। मेथी को मैंने चॉप नहीं किया, जस्ट उसके पत्ते तोड़ के ऐसे डाल रही हूँ, क्योंकि इसको हमें पकाना है इसलिए बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। मैं 4 हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हरी मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर मैं 2 डाल रही हूँ। टमाटर आप बड़े छोटे कैसे भी काट सकते हैं, क्योंकि फाइनली इसे पका कर हमें मैश करना है। अभी टमाटर डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, मैं इसे काट के डाल रही हूँ। आप चाहो तो अदरक को पीस कर भी डाल सकते हो। अदरक डाल के अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक अगर अभी कम भी हो गया तो आप बाद में चेक करके और नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मैं अराउंड 1 ग्लास डाल रही हूँ। पानी डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑयल। ऑयल डाल के अभी कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हम लोग 3 से 4 विजल आते तक, या तब तक के जब तक कि दाल पूरी तरीके से नहीं पक जाता है, हम लोग इसे पकाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने से भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। 3 विजल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके दाल को अपने आप ठंडा होने देना, मतलब प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने देना, उसके बाद ओपन करना। अब आप देख सकते हैं दाल एकदम अच्छे से पक के रेडी है। अब मैं हाथ से घोटने वाला, जो घोटनी होता है, उससे मैं दाल को अच्छे से घोट रही हूँ। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, बट इस तरीके से घोटने से दाल ज़्यादा टेस्टी रहता है। अभी मैं इसको एकदम अच्छे से घोट रही हूँ। ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और मेथी भाजी के तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे बोन स्ट्रांग लगता है, डाइजेशन अच्छे से होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। अभी दाल घोट के रेडी है। यहाँ पे अगर आपको दाल गाढ़ा लग रहा है तो 1/2 ग्लास पानी गर्म करके डाल लेना, बट ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम लगाते तड़का। उसके लिए मैंने एक रखा है तड़का पैन, उसमें मैंने डाला है अराउंड 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डाल के उसमें मैं डाल रही हूँ चना दाल, उड़द दाल, जीरा, सरसों, लहसुन। 1 बाय 1 तड़के की मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। आप ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हो, घी का तड़का भी बहुत टेस्टी लगता है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ करिया पत्ती। करिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स करके अब इस तड़के को मैं डाल रही हूँ दाल के ऊपर। दाल को भी मैंने गर्म होने रख दिया था। गर्म दाल में ही हमें तड़का डालना है। तड़का डाल के उसके तुरंत बाद हमें इसे बंद करना है। तुरंत ढकने से दाल का फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने ढक्कन निकाल दिया है। निकाल के इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया। अब आप देख सकते हैं दाल कितना टेस्टी दिख रहा है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब आप भी ये टेस्टी हेल्दी मेथी भाजी दाल ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।